ठीक है, समझाएंगे बढ़िया से, पहले आप कल देखना है। हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेबंटी रवानी। आज हम सीखेंगे एज संबंधित कुछ प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। पढ़ पढ़ के तो एज निकल गया है, लेकिन फिर भी अभी एज पढ़ रहा आदमी लोग। चलिए सीखते हैं एज। पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे कंसेप्ट यूज करना है। अभी तक जितने भी पढ़े होंगे आप लोग, उससे अलग होगा और इससे आसान होगा। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु कितनी है। क्या क्या दिया है ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ है ए और बी है, दो लोग हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 4 और 5। किस टाइम का रेशियो इधर लिखना है, प्रेजेंट का। ए और बी दो लोग हैं, इनका रेशियो दिया है 4:5, और किस टाइम का रेशियो है वो लिख दिए बगल में, वो है प्रेजेंट का। ठीक है, आगे बोलता है 5 वर्ष बाद रेशियो हो जाता है 5:6, रेशियो हो गया 5:6, और टाइम क्या बोला 5 साल बाद, तो +5 ईयर लिख दिए शॉर्ट में, ताकि समझ में आए कि 5 साल बाद का ये रेशियो है, प्रेजेंट का ये रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चंस में इतनी चीज़ हमको पहले से बता दिया गया है, और पूछा है कि ए का एज कितना होगा प्रेजेंट में। ठीक है, सर्कल कर दिए ए के बारे में। इस सवाल को करते कैसे ध्यान से समझिएगा। जब भी मेरे पास क्वेश्चंस में एज में दो रेशियो मिल जाएगा, करना क्या है समझिएगा, जो नीचे में है उस रेशियो से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों डिफरेंस क्या होगा 1, पहला काम हो गया। दूसरा काम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, मतलब 6 × 4 = 24 और 5 × 5 = 25। 25 और 24 का डिफरेंस कितना हो गया 1, उसको नीचे लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक। पहला डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस, दूसरा इसको मल्टीप्लाई किए इसको मल्टीप्लाई किए उसका डिफरेंस, और तीसरा इंटू किसे करना है, इस टाइम का डिफरेंस। प्रेजेंट से 5 साल आगे जाएंगे तो कितना साल का गैपिंग हो गया, 5 साल का, उसको यहाँ लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो एक रेशियो का मान मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे क्या आया बोलेंगे 5, इसका मतलब एक रेशियो का मान हो गया 5। पूछा किसके बारे में, ए के बारे में, और प्रेजेंट एज, इसका मतलब ए को गुना कर देंगे 5 से, इसका मतलब ए का कितना एज हो गया प्रेजेंट में, ए का एज हो गया 20 साल। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। अगर पूछेगा बी का कितना एज होगा, तो 5 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 25 साल। क्लियर है, तो प्रेजेंट का रेशियो से गुना करेंगे प्रेजेंट का एज निकलेगा, 5 साल बाद के रेशियो से गुना करेंगे तो 5 साल बाद का एज निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, स्टार्ट करें, चलें आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा, शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा है, कैसे करेंगे जल्दी से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, जैसे पहले बोला है विशाल और शेखर, तो विशाल को भी से लिख दिए, शेखर को एस से लिख दिए। ठीक है, इसका रेशियो दिया हुआ है 14:17 और प्रेजेंट बोल दिया है वर्तमान आयु। आगे देखिए 6 साल बाद, 6 साल बाद का एज क्या है, 6 साल बाद का एज है 17 और 20। यहाँ तक आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ तक आने के बाद हम डिफरेंस वाला काम करेंगे। अब पूछा किसके बारे में, पूछा है शेखर के बारे में, परसेंटेज है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बोलेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 × 17 289 होता है, और 14 × 20 280 होता है, तो डिफरेंस कितना का आया 9 का, 9 को नीचे लिख दिए। इंटू किससे करेंगे, यहाँ का डिफरेंस, प्रेजेंट से 6 साल आगे जाएंगे तो कितना का डिफरेंस 6 साल, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 रेशियो का मान मिलेगा, 3 का टेबल में 3 बार में और 3 का टेबल में 2 बार में, इसका मतलब 1 रेशियो का मान क्या मिला 2, जिसके बारे में पूछा उससे गुना कर देंगे। पूछा शेखर के बारे में, शेखर से गुना कर दी, इसका मतलब शेखर का एज कितना हो गया 34 ईयर। बोलिए समझ में आया, समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ क्या है, आप पेपर में करेंगे तरीका बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशंस में थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा है। क्या ले रहा टाइम, ये ले रहा है कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा समय ज़्यादा लग जा रहा है आपको, है कि नहीं। हमको ये तो पता था कि 17 × 17 क्या होता है, इसलिए हम जल्दी से कर लिए। आप अगर नहीं जान पाएंगे, अगर कोई अगर फर्स्ट में इसको कर रहा है तो मान लेते थोड़ा लेट कर देगा, बना लेगा लेकिन लेट कर देगा, तो इसमें भी हम समय बचा सकते हैं। कैसे इसमें समय बचेगा,
जाना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए इस रेशियो वाला कंसेप्ट, पहले ये तो समझ में आ गया ना क्लियर सबको, अब समझिएगा इसमें हम कैसे बनाते हैं और एक तरीका से, ठीक है। इसको सेकंड को हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखिए यहाँ लिखे हैं विशाल, यहाँ लिखे शेखर, लिखे 14 17, यहाँ लिखे प्रेजेंट, ये हो गया आफ्टर 6 ईयर्स रेशियो विल बी 17:20। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ शेखर इन प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट में शेखर की एज क्या, ये पूछा, ध्यान समझिएगा। एक तरीका हम कभी रेशियो वाला देख लिया, डिफरेंस वाला तरीका, सेकंड में क्या करेंगे समझिएगा। हम जब भी मेरे पास दो रेशियो है ना, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम, ये तो सब क्वेश्चंस में लग रहा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब मेरे पास रेशियो दिया हुआ है और रेशियो का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस अगर पहले से डिफरेंस इक्वल है तो मेरा काम आसान है, ये बात समझिएगा, मतलब समझे नहीं समझे होंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं समझिएगा। हम ये बोले इन दोनों का डिफरेंस क्या है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, अगर ये डिफरेंस पहले से बराबर है तो मेरे लिए काम आसान है, समझ में आया, क्या करना है सुनिएगा, सीधा इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ले लिए। अब ये तीन जो आया है दोनों सब दोनों पास दोनों के सामने तीन तीन सेम दिख रहा है ना, इसको किसके बराबर रख देना पता है, टाइम ऑफ पीरियड के बराबर, मतलब यहाँ का डिफरेंस कितना है, यहाँ का डिफरेंस लिखे 3 और यहाँ का डिफरेंस कितना है 6, तो बताइए 1 रेशियो का मान क्या निकला, 2, इसका मतलब 17 का मान क्या होगा, डायरेक्ट आया, समझ आया क्या किए हम यहाँ पर। ये बोले जब आपके पास रेशियो पहले से इक्वल करके रखा हुआ है तब आपको इनटू वगैरह नहीं करना, ये भी चीज़ सीख के रखना है, देखिए जितना चीज़ आप जानेंगे ना समय तभी बच पाएगा। हमने तो एक तरीका आपको मैंने समझाया कि ऐसे बनते हैं, सब सवाल बनेंगे लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कैलकुलेशंस आपको समय ले ले, तो वहाँ कैसे बचेंगे, वहाँ पर ऐसे बचेंगे, पहले चेक कर लेंगे देख के ही कि मेरा डिफरेंस सेम है क्या, हाँ डिफरेंस सेम है, तो सिंपल रेशियो को ऊपर से नीचे कम कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे और यहाँ का डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ का डिफरेंस यहाँ का डिफरेंस बराबर कर देंगे, 1 रेशियो का मान हमको मिल जाएगा जैसे वहाँ पर मिला था, 1 रेशियो का मान 2 तो यहाँ भी 1 रेशियो का मान 2, समझ में आया। बस जिसके बारे में पूछा, शेखर के बारे में पूछा, निकाल लेंगे, आया समझ में, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा समझिएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जहाँ पे प्रेजेंट का टाइम ना दे करके पास्ट और फ्यूचर का पीरियड दे दे, टाइम दे दे और वहाँ से रेशियो देगा, ठीक है, क्या होगा, बोलेगा 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, बी की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब इस बार प्रेजेंट का किसी का एज नहीं दिया हुआ है, इस बार 7 साल पहले का और 7 साल बाद का दिया हुआ है, तो जैसे बोला वैसे ही लिखिए आप, पहले 7 साल पहले बोला तो -7 ईयर लिख देंगे इससे समझने के लिए कि 7 साल पहले है और इसमें कौन कौन आदमी है, ए और बी है, बार बार पता है ए और बी ए रहता है और कोई नहीं रहता है क्या, हाँ ए और बी ए रहता है, कितना इसका एज निकालेगा, इसको एज निकालने निकालते आयु 18 से 20 साल का हो गया, दे रहा लग रहा है 20 साल का, लग रहा है 23-24 साल का हो गया, पेट उठ सब निकल गया है। इतना खुशी, आपका दोस्त अभी खुश हो रहा है, आप सोच लीजिए आज इसके साथ बैठे हुए हैं ना, शहीद हो जाइएगा ग्रीन। देखिए क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले ए तथा बी की वाई का अनुपात कितना था, 4:5 लिख दिए, 4:5, फिर बोलता 7 साल बाद, तो टाइम यहाँ लिख दिए 7 ईयर्स आफ्टर 7 ईयर्स और रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो 5:6। अब हमसे पूछा है बताइए कि बी की वर्तमान आयु क्या है, बी के बारे में पूछा है लेकिन कौन सा एज पूछा है, प्रेजेंट एज क्या होगा, ठीक है ना, बी प्रेजेंट में कितना होगा, बी प्रेजेंट में कितना होगा, तो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आएगा। देखिए पहला तरीका मेरा क्या था, यहाँ से डिफरेंस लिए थे, यहाँ डिफरेंस कितना आया था 1, आएगा डिफरेंस वन, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25, तो डिफरेंस क्या आएगा इसका 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टाइम ऑफ पीरियड, यहाँ डिफरेंस कितना है,
बताइए यहाँ डिफरेंस क्या दिख रहा, बता सकते हैं? बोलिए क्या डिफरेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या होगा? 14 ईयर्स, सही बात। कैसे समझेंगे दिखेगा, पहले बात हम 7 साल पहले हैं, 7 साल पहले हैं तो हमको आना पड़ेगा पहले यहाँ से प्रेजेंट में, पहले यहाँ आना पड़ेगा प्रेजेंट में, और 7 साल बाद है तो प्रेजेंट से जाएंगे आगे 7 साल बाद, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ आने के लिए 7 साल चलना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 7 साल चलना पड़ेगा, तो कितना साल चलना पड़ेगा? 14 ईयर्स। आया समझ में? लेकिन इतना पेपर में नहीं करना है, आपको सही सही बताते हैं मैथ्स का नियम क्या होता है, मैथ्स का जो रूल है बोर्ड मास में प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, सेम साइन में प्लस। लेकिन एज जब पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा जब डिफरेंट साइन होगा तो प्लस कर देंगे और सेम साइन होगा तो माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोल देगा कि 10 साल बाद रेशियो ये है, 15 साल बाद रेशियो ये है, सेम साइन है 10 साल बाद 10 15 साल बाद, तो डिफरेंस ले लेंगे, माइनस कर देंगे उसको, सीधा बोलेंगे 5 साल। लेकिन जब दे देगा अलग अलग समय, जैसे यहाँ पास्ट का यहाँ पर क्या फ्यूचर का, साइन अलग अलग है माइनस प्लस, तो बोर्ड मास का नियम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और करेंगे क्या, डिफरेंट साइन को प्लस और सेम साइन को माइनस। आया समझ में? क्लियर है? बहुत बढ़िया। बोलेंगे ऐसा काहे कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे ताकि मेरा समय थोड़ा बचे, एज बनाते बनाते तो एज निकल जा रहा है। आया समझ में? देखिए यहाँ का डिफरेंस कितना होगा, 14। तो बोलिए एक रेशियो का मान क्या निकला, 14। बहुत बढ़िया। अब हम समझेंगे, अगर हम इससे गुना करेंगे तो 7 साल पहले का एज निकलेगा और इससे गुना करेंगे तो 7 साल बाद का एज निकलेगा, है कि नहीं? रेशियो जिस टाइम का है उसी टाइम का ना एज निकलेगा। हमसे पूछा है किसके बारे में, बी के बारे में, हम इससे गुना कर देते हैं अभी, ठीक है? तो इसको किससे गुना करेंगे, 14 से, तो कितना हो जाएगा ये बोलिए, 80 हो जाएगा, नहीं 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, चलिए 70 हो गया। लेकिन ये 70 जो है कितने साल पहले है, 7 साल पहले, तो प्रेजेंट जाने के लिए क्या करेंगे हम, 7 साल जोड़ देंगे ना इसमें, तो अभी वो कितना साल का हो गया, बूढ़ा हो गया। आ गया समझ में? नौकरी वोकरी ख़त्म हो गया, पेंशन ले रहा है, तो एक तरीका ये समझ में आया आपको, क्लियर है? अब हम चलते हैं इसी में समय कैसे बचाएंगे, जो एक तरीका और समझते हैं उस पर काम करेंगे। ये समझ में आ गया ना? केवल यहाँ पे नया क्या दिखा आपको कि एक 7 साल पहले और एक 7 साल बाद था, बस यही नया दिखा आपको, बाकी सब पहले ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे जिस समय का रेशियो होगा एज उसी समय का आएगा, ये गलती नहीं करना है कि पूछा बी के बारे में गुना करेंगे 70 मार देंगे, ऑप्शन में 70 रहेगा, समझ गए ना? वो चीज़ गलती नहीं करना है, प्रेजेंट पूछा है तो प्रेजेंट तक जाएंगे हम, क्लियर है? अगर वो पूछेगा कि 10 साल बाद कितना होगा तो फिर इसमें 10 साल और जोड़ देंगे, समझ में आ रहा है ना? प्रेजेंट में 77 ईयर्स का है, पूछेगा 10 साल बाद कितना होगा तो फिर 10 साल जोड़ेंगे वहाँ से, मतलब जिस तरह पूछेगा वो वैसा ही आंसर बताना, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है, क्लियर है? आइए हम इसका देखते हैं सेकंड अप्रोच क्या था, कैसे उसमें समय बचा रहे थे हम, ध्यान से समझिएगा। सेकंड हम लिखें क्या, ए और बी, जल्दी जल्दी यहाँ लिख दिए 4:5, ये है 7 साल पहले और ये है 7 साल बाद, यहाँ का रेशियो क्या है 5:6, पूछा है बी का परसेंटेज, बी का परसेंटेज है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा हम क्या समझें आपको, ये चीज़ आप लोग भी समझिएगा, है ना, पहले नहीं देखे थे। देखिए इसको जब भी बनाएंगे डिफरेंस वाला तरीका, उससे पहले एक स्टेप सोच लेंगे हम लोग, ये डिफरेंस वाला तरीका करने से पहले एक स्टेप सोच लेंगे, क्या सोच लेंगे कि क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम है, क्या है सेम, तो सिंपल इसको घटा दीजिए, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, देखिए आया ना, तो इसको किसके इक्वल रख देंगे, इसके इक्वल, अलग अलग साइन है बोले से ऐड कर देंगे, है ना, यहाँ का डिफरेंस क्या मिलेगा 14। तो देखिए हम थोड़ा सा बच गए ना ये वाला काम से, इसका मतलब डिफरेंस क्या मिला 14, एक रेशियो का मान 14, तो हमको पूछा बी के बारे में परसेंटेज, इसको पहले 14 से इंटू किए, ये बन गया 70 ईयर्स, लेकिन ये 70 ईयर्स कब का है, 7 साल पहले का है ना, हमको जाना कहाँ है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में कितना एज होगा, तो 7 ऐड कर देंगे, मतलब 77 ईयर्स। बोलिए ये तरीका समझ पाएँ या नहीं पाएँ, क्लियर है, नोट कीजिए।